दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तो फूट फूट कर रो पड़े, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी से लेकर रिकी पोंटिंग ने अब अफगानिस्तान की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, सच में सभी का दिल ही जीत लिया। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान ने दुनिया भर के दिग्गजों को भी हैरत में डाल दिया, इन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में हर रोज एक नया चमत्कार हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में यदि किसी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वो है अफगानी टीम। जी हाँ, सलाम है अफगानिस्तान को। कुछ समय पहले क्रिकेट खेलने वाली इस टीम ने तो पाकिस्तान इंग्लैंड के बाद नीदरलैंड तक को हरा कर वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में भी अब क्वालिफाई कर हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसमें नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। नीदरलैंड अफगानिस्तान को कड़ी टक्कर देना चाहती थी, लेकिन जो काम बड़ी बड़ी टीमों से नहीं हुआ वो ये नई नवेली टीम कहां से कर पाती। और ऐसा ही हमें देखने को मिला। अफगानी फिरकी ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते नीदरलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रमताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालांकि एंगल ब्रेजेंट के 58 और मैक्स उदाउत के 42 रनों की बदौलत किसी तरह से नीदरलैंड 179 रनों तक पहुंचकर कामयाब हो पाई, लेकिन इतने छोटे से स्कोर को डिफेंड करना उसके बस की बात नहीं थी। अफगानी बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए आसानी से इस लक्ष्य को हासिल किया और पाकिस्तान तक को पीछे छोड़ते हुए अब उन्होंने सेमीफाइनल में बड़ी ही आसानी से लगभग जगह बना ली है। जी हां, आपको बता दें इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान के 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ 8 अंक हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के अभी 7 मैचों में केवल 6 अंक हैं। यानी कि अंक तालिका में अफगानिस्तान की टीम अब 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है और अब वो आसानी से सेमीफाइनल में जा सकते हैं। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया है। इसके बाद तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि शोएब अख्तर तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली है। उनकी इस जीत ने पाकिस्तान के लिए समीकरण खराब कर दिया, क्योंकि अब यदि हम अपने बाकी बचे हुए मैच जीत भी लेते हैं तो हमें अफगानिस्तान पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इससे बुरी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। निश्चित तौर पर यह टूर्नामेंट हमारे लिए इतिहास का सबसे खराब दौर रहा है, जहां हमारे ही खिलाड़ियों ने हमारी नाक कटा दी है। यूं कहें कि उन्हें भारत में परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती थी पाकिस्तान जीते। तो वहीं वसीम अकरम का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए हमारी टीम को कि हम पाकिस्तान से हार गए। उस टीम ने अभी कुछ समय पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, उन्हें क्रिकेट की ABCD भी नहीं पता है और हमारे इतने सुनहरे इतिहास में आज कालिक पोत दी है। अल्लाह किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए। उन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन कमाल है, अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए दावेदारी ठोकी है। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। भारत में टूर्नामेंट बेहद अजीब रहा है। मुझे नहीं पता कि यह किसी की चाल है। अफगानिस्तान में सच में चमत्कार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों तो अभी भी अपनी नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन रिकी पोंटिंग तो अफगानिस्तान के मुरीद हो गए। उन्होंने कह दिया है कि टूर्नामेंट की सबसे खास बात अफगानिस्तान रही है। जिस तरीके का काबिले तारीफ प्रदर्शन उन्होंने किया है, इतनी कमजोर टीम होते हुए भी अपने पोटेंशियल को 100% यूज करते हुए अफगानिस्तान ने सच में इतिहास रच दिया। उनका इस कदर प्रदर्शन क्रिकेट जगत के लिए बहुत अच्छा है। जब ऐसी कमजोर टीम सामने आएगी तभी तो बड़ी से बड़ी टीमों का दबदबा खत्म होगा और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। सल्यूट अफगानिस्तान, आपको अपने इतिहास रच दिया। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे हैं। धोनी ने कह दिया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए नया सवेरा है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी से बड़ी टीमों को हराया है और अब तो वो सेमीफाइनल में भी जाने वाले हैं। इससे बड़ी खुशखबरी उनके लिए और क्या हो सकती है। मैं उन सभी अफगानी खिलाड़ियों को, अफगानिस्तान की आवाम को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसी के लिए सालों तक इंतजार किया, कड़ी मेहनत करी। यह उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। अफगानिस्तान को निश्चित तौर पर सेमीफाइनल जाना चाहिए, वो इसके हकदार है। तो दोस्तों सच में हर तरफ केवल अफगानिस्तान का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में जाने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नीदरलैंड को कुचलकर अफगानिस्तान ने न केवल सेमीफाइनल में जगह बनाई है बल्कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान ने इतिहास रचते हुए पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किया है क्वालिफाई? उनकी जीत से कैसे पॉइंट्स टेबल में इस कदर भूचाल आया कि पाकिस्तान से लेकर न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने ही टूट गए हैं? कैसे उन्होंने किया इतना बड़ा चमत्कार, सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा अब कौन सी टीम 3 है जो सेमीफाइनल में बनाएंगी अपनी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड कप के इस रोमांचक सफर में अब तक एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले गए हैं। सेमीफाइनल की दौड़ अब सबसे रोमांचक और मुश्किल हो चुकी है। जहाँ टीम इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी, तो अभी भी बाकी बचे हुए 3 स्थानों के लिए 5 टीमों के लिए तगड़ी जंग हमें देखने को मिल रही है। जहाँ कई टीमें खुद अपनी किस्मत लिख रही हैं, वहीं कई टीमों की किस्मत अब दूसरी टीमों पर निर्भर है। लेकिन सलाम है अफगानिस्तान को। कुछ समय पहले क्रिकेट खेलने वाली इस टीम ने
2023 के सेमीफाइनल में अब तक 90% क्वालिफाई कर हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कांटे का मुकाबला लखनऊ के कान स्टेडियम में खेला जा रहा था, जिसमें नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। नीदरलैंड अफगानिस्तान को कड़ी टक्कर देना चाहती थी, लेकिन जो काम बड़ी बड़ी टीमों से नहीं हुआ वह नई नवेली टीम कहां से कर पाती, और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। अफगानी फिरकी ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया जो देखते ही देखते नीदरलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालांकि एंगल ब्रिचर्ड के 58 और मैक्स ओदाउद के 42 रनों की बदौलत किसी तरीके से नीदरलैंड 179 रनों तक पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन इतने छोटे से स्कोर को डिफेंड करना उनके बस की बात नहीं थी। अफगानी बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए आसानी से इस लक्ष्य को हासिल किया और पाकिस्तान तक को पीछे छोड़ते हुए अब तक उन्होंने सेमीफाइनल में बड़ी आसानी से लगभग जगह बना ली है। जी हां, आपको बता दें इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान के साथ मैचों में 4 जीत और 3 हार के साथ 8 अंक हो गए, जबकि पाकिस्तान के अभी 7 मैचों में केवल 6 अंक है, यानी कि अंक तालिका में अफगानिस्तान की टीम 5वें पायदान पर पहुंच चुकी है और वह आसानी से सेमीफाइनल में जा सकते हैं, क्योंकि 3रे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया और 4थे पायदान पर मौजूद न्यूजीलैंड के भी 8-8 अंक है, यानी कि इन 2 दिग्गज टीमों की अफगानिस्तान ने बराबरी कर ली है। हालांकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन वह इसमें सुधार कर सेमीफाइनल की रेस में अपना दावा ठोक चुकी है। ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को बाकी बचे हुए 2 मैचों में लगातार 2 जीत चाहिए, उसके बाद भी उन्हें दूसरी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो वहीं अफगानिस्तान ने यदि 2 मैच जीत लिए तब तो उन्हें सेमीफाइनल से कोई बाहर ही नहीं कर सकता, और 1 मैच जीत कर वह आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि यह विश्व कप तो अफगानिस्तान के नाम रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौन सी टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद खौफनाक गेंदबाजी से लंका को तहस नहस करते हुए टीम इंडिया ने बड़ी शान से फाइनल में जगह क्या बनाई। पूरी दुनिया में तो हाहाकार ही मच गया, यहाँ तक कि दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज भी हैरान रह गए। यहाँ अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने जहाँ टीम इंडिया को जमकर सराहा, तो वहीं धोनी, जयसूर्या से लेकर जयवर्धने और अख्तर ने जो कहा उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी अपनी नुकसान नहीं रोक पाएंगे। और तो आखिर क्या कुछ रहा है टीम इंडिया के लाजवाब प्रदर्शन पर दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, अय्यर और गिल में कौन सा मैन ऑफ द मैच का असली हकदार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी, उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करना उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बना गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों की बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से पदुम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई, तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समर विक्रमा तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका ने 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए, पवेलियन लौट गए और उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका था, तो वहीं इसमें 4 चांद लगा हुए पारी का 4था ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो यह था कि स्कोर बोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इतना फुटबॉल बना दिया था कि जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। यह देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, कोई खुश था तो कोई निराश था। सबसे पहले तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा कि क्या बॉलिंग हुई है, क्या बैटिंग हुई है, वाह, हर एक क्षेत्र में भारतीय टीम ने इस कदर परेशान प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि यह इतिहास की सबसे खतरनाक टीम है। कोहली, गिल, अय्यर, सिराज, हर किसी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार 7 वर्ल्ड कप मैचों में 7 जीत, यह दिखाता है कि भारतीय टीम इस बार किस इंटेंट से मैदान में उतरी है। आप सभी और पूरे देश को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, यहां तक कि शोएब अख्तर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि इस बार के वर्ल्ड कप में यदि किसी टीम को अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देनी हो तो वो आप आंख बूंद कर टीम इंडिया को देंगे। न केवल उनका हर एक खिलाड़ी फॉर्म में, बल्कि वो मैदान पर दूसरी टीमों को बेरहमी से एक तरफा तरीके से हरा रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। मैं खुद अभी तक भारत का प्रदर्शन देखकर हैरान हूं, एक भी ऐसा क्षेत्र मुझे नहीं मिला जहां मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर सकूं। सलूट है इस भारतीय टीम को। जी हां दोस्तों, अब तो पाकिस्तान भी भारत की मुरीद हो गई है, लेकिन लंका के दिग्गज सनत जयसूर्य का ही दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है, लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज है ही,
उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह का साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया, वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी वानखेड़े में।